नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी ललन टॉप पर। किस्सा गोई में आज किस्सा ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा हुआ। 1938 की बात है जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का केंद्र स्थापित हुआ, मगर ये वही ज़माना है जब हिंदी के साहित्यकारों ने इस केंद्र का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में उर्दू वालों की भरमार है, ऐसे लोगों की भरमार है जिनका बैकग्राउंड उर्दू का है, और इसीलिए उन्हें हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है, यहाँ तक कि उनका उच्चारण भी बेहद ख़राब है और वो इस उच्चारण को सही करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जबकि अगर किसी हिंदी वाले का उर्दू उच्चारण ख़राब है तो उसका बहुत मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि फलाने का शीनकाफ नहीं दुरुस्त है। तो इस मान्यता के तहत हिंदी के साहित्यकारों ने ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र का बहिष्कार कर रखा था। इन बहिष्कार करने वालों में पेश थे हिंदी के सबसे बड़े कवियों में से एक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आकाशवाणी वाले, ऑल इंडिया रेडियो वाले बराबर इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरह निराला जी को रेडियो स्टेशन पर काव्य पाठ के लिए लाने में कामयाबी हो जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि निराला जी सबसे बड़े कवि हैं, सबसे गुस्सैल भी हैं, अगर ये आ गए तो इनके साथ बाकी लोग भी आ जाएंगे और ये बहिष्कार ख़त्म हो जाएगा। तो तमाम कोशिशों के बाद निराला जी को रेडियो स्टेशन पर लाने की जिम्मेदारी मिली अवधि के कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस को। पढ़ीस जी बेहद शरीफ आदमी थे, विनम्र आदमी थे, मददगार आदमी थे और निराला जी के बेहद करीबी थे। तो पढ़ीस जी निराला जी के पास गए, उनसे बहुत आग्रह किया और किसी तरह उनको इस बात पर तैयार कर लिया, राज़ी कर लिया कि वो रेडियो आकर काव्य पाठ करेंगे। अब निराला जी को काव्य पाठ कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई अयाज साहब को। अयाज साहब रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर थे, तो जब निराला जी स्टूडियो में आए काव्य पाठ के लिए तो उस काव्य पाठ से पहले अयाज साहब ने अनाउंसमेंट किया कि अब आप हिंदी में कविता समात फरमाइए। कवि हैं सूर्या कांता त्रिपाठा निराली। जाहिर सी बात है कि निराला जी का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मगर अयाज साहब के हिंदी में उनकी फीस माफ़ थी, उन्होंने अनाउंस किया कि कवि हैं सूर्या कांता त्रिपाठा निराली। अब इसके बाद कायदे से तो निराला जी की आवाज़ आनी चाहिए थी, उनके काव्य पाठ की आवाज़ आनी चाहिए थी, मगर लाउडस्पीकर में कुछ हुच हुच सी आवाज़ आई। अब जब ये सुना तो ड्यूटी ऑफिसर हसीब साहब को ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, तो उन्होंने वो भाग कर गए। उन्होंने स्टूडियो के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि निराला जी एक हाथ से अयाज साहब की गर्दन को कस के दबोचे हुए हैं और अयाज साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए छटपटा रहे हैं। खैर, किसी तरह पढ़ीस जी को अंदर भेजा गया, पढ़ीस जी ने अयाज साहब को निराला जी के प्रहार से और उनकी कैद से मुक्त कराया और इसके बाद निराला जी का गुस्सा पढ़ीस पर निकला। निराला जी पढ़ीस से बोले कि भाई तुमसे कहा था कितनी बार कि मैं रेडियो नहीं जाऊंगा, वहाँ किसी को हिंदी की तमीज़ नहीं है, मगर तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे और अब देखो इसने क्या किया, ये हमको सूर्यकांता त्रिपाठा निराली कहता रहा और अब आइंदा हमको यहाँ आने के लिए मत कहना। और उस दिन के बाद से काफ़ी वक्त तक निराला जी रेडियो स्टेशन पर नहीं गए। तो ये था एक किस्सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अजमत का, उनकी खुददारी का, उनकी अना का। शुक्रिया।